ये चीज़ मॉडर्न मुल्तान, बेलमोरस और अंदरून मुल्तान दोनों हमने आज आपको जो है ना वो इस वीडियो के अंदर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारी डिशेज़ हैं भाई यहाँ पे, और इतनी सारी डिशेज़ हैं कि आप क्या क्या खाएं क्या क्या ना खाएं कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि देसी आइटम्स भी हैं और कॉन्टिनेंटल भी हैं। नाश्ते की तरह हर बंदे के लिए हर वैरायटी मौजूद है और टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त है। वो ये कि जो हाफिज़ साहब थे, बच्चों को इनक्रेजमेंट के लिए, मोटिवेशन के लिए घर में ही हलवा बना के उनको वो देते थे। चले भाई, आपने आपने बुलाया हमारे, वेलकम टू बेलमोरस मिस्टर ज़िया तबारक। एक कस्टमाइज केक हमारे लिए टीम लेकर आई है। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ ज़िया तबारक और भाई मैं पहुँचा हूँ अभी अभी मुल्तान, और मुल्तान की तो बात ही अलग है। गर्मियों में तो यहाँ पे बहुत सख्त गर्मी होती है, लेकिन अभी मौसम बड़ा अच्छा है, ना ज़्यादा गर्मी है ना ज़्यादा ठंडक है। और आज मुल्तान में हमें काफ़ी कुछ एक्सप्लोर करना है। हमने रिजर्वेशन करवाई है अपनी बेलमोरस होटल में, जिसकी मैंने काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ें सुनी हैं। वहाँ पर ब्रेकफास्ट भी है, हाई टी भी है, काफ़ी कुछ है, और कुछ हमें घंटाघर वगैरह के आसपास भी एक्सप्लोर करना है, कुछ शॉपिंग भी करनी है। देखते हैं आज दिन भर में क्या होता है और आपके साथ मुल्तान का ये पूरा दिन शेयर करते हैं। तो फिर चलें। चले जी, पहुंच गए हम बेलमोरस होटल और चेक इन करते हैं, देखते हैं अर्ली चेक इन मिलता है कि नहीं। वैसे तो चेक इन होता है 2 बजे, लेकिन बेलमोरस हैज बीन काइंड इनफ टू ग्रांट अस अर्ली चेक इन, सो थैंक यू सो मच। और जो इंटीरियर है ना, आप देखिए कितना खूबसूरत उन्होंने बनाया हुआ है, लग रहा है कि किसी आर्ट गैलरी के अंदर मैं चल रहा हूँ। रूफ हो या फानूस हो या वॉल्स हो, सब कुछ। रूम कैसा है अब वो देखते हैं। ओके, ये भाई हमारा स्वीट रूम। रूम भी बहुत ज़बरदस्त है, एम्बियंस भी बहुत ज़बरदस्त है, आर्किटेक्चर भी बहुत ही आला है, और खसूसी तौर पे इसकी जो लोकेशन है ना वो बहुत ही आइडियल है, क्योंकि एयरपोर्ट भी करीब है, ट्रेन स्टेशन भी करीब है। वेरी नाइस। और ब्रेकफास्ट जो है आज संडे है, तो 1 बजे तक अवेलेबल है, तो अभी हम थोड़ा सा रेस्ट करते हैं और ब्रेकफास्ट भी करते हैं। ज़बरदस्त। चलो, मैं थोड़ा रेस्ट करके मैं आ गया हूँ ऊपर, और यहाँ पे ब्रेकफास्ट का बड़ा ज़बरदस्त सा सीन बना हुआ है। ओके, ड्राइवर हूँ मैं, मतलब मुझे तवक्को नहीं थी आप यहाँ मिलेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, और खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, करम, थैंक यू। ठंडे ठंडे मौसम में पूरियाँ बन रही हैं, ये देखें भाई यहाँ पे ये पराठे, यहाँ पे पूरियाँ, वहाँ पे ये सारी डिशेज लगी हुई हैं, वहाँ पे वो लस्सी जूसेस वगैरह भी हैं, बॉयल्ड एग भी यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ज़रा इसको एक्सप्लोर कर लेते हैं थोड़ा सा। ओहो, नाश्ते में निहारी भी है भाई। काफ़ी सारी वैरायटी है नाश्ते के अंदर, और थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें मैं सारी निकाल के ले आया हूँ, सारी तो नहीं, थोड़ी बहुत लेकर आ गया हूँ। बिस्मिल्लाह मैं करूँगा भाई, ये जो कोफ्ते रखे हुए ना, इनसे कोफ्ते और पराठे का तो मज़ा ही अलग है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। वाह, कोफ्ते बहुत मज़ेदार हैं भाई, बहुत ही थिक गाढ़ी गाढ़ी ग्रेवी है इनकी, चिकन के कोफ्ते हैं, और जो कोफ्तों का असल टेस्ट होता है रायतेदार, बहुत ही मज़ेदार। पराठे के साथ वो कोफ्ते खाने का मज़ा ही अलग है नाश्ते में। ओवरऑल भाई माशाल्लाह नाश्ता बहुत ही ज़बरदस्त है, और अच्छी बात यह है कि आपको जिस भी तरह की वैरायटी चाहिए हो, चाहे आप कॉर्नफ्लेक्स खाते हो, दलिया खाते हो, या निहारी कोफ्ते खाते हो, या फ्रेंच टोस्ट, सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं और टेस्ट भी बहुत मज़ेदार है। नाश्ता फिनिश करते हैं, उसके बाद फिर हमें जाना है ज़रा मुल्तान शहर में, थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं शहर में क्या हो रहा है। वेरी नाइस। अरे भाई, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया भाई। वेलकम टू बेलमोरस मिस्टर ज़िया तबारक। एक कस्टमाइज केक हमारे लिए टीम लेकर आई है, इससे पहले फ्रूट्स और बिस्किट्स भी आए थे। वेलकम। तो भाई इसको अभी टेस्ट करते हैं हम, हाथ के हाथ है भाई। जी सर, प्लीज। पर्सनलाइज अटेंशन दिए ना भाई बेलमोरस ने आपके भाई को, थैंक यू, वेरी नाइस।
भाई फवारा चौक के ऊपर जो है ना वो रेवाड़ी भी है, और वहीं से आगे जाए तो हुसैन आगाही पे हाफिज का सोहन हलवा भी आपको पता है कि पहचान है मुल्तान की, और यहीं से थोड़ा आगे जाए तो आ जाता है घंटाघर। हाँ भाई हम पहुंच गए हैं चौक घंटाघर, और यहाँ पे जो है ना वो आपको पता है कि चारों तरफ बाजार है, खाने पीने की भी चीज़ें रौनक रहती है। माशाल्लाह मुल्तान आए और घंटाघर ना आए ऐसा तो हो नहीं सकता। यहाँ पे एक कुरैशी है जिनकी दाल बहुत ज़्यादा फेमस है, और बहुत दूर दूर से वो लोग दाल खाने के लिए आते हैं। एक लाला मूसा की दाल फेमस है मियाँ जी की, और दूसरा मैंने ये सुना है। तो ये दाल वाला चेक करते हैं, क्योंकि लोकल स्ट्रीट फूड जब तक खाएं नहीं तब तक मज़ा नहीं आता। चले वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? ठीक है, खैरियत? जबरदस्त। कैसे भाई जान, ठीक है? अल्लाह का शुक्र। क्या है ये? ये बिरयानी है। बिरयानी चिकन वाली? अच्छा, बिरयानी पुलाव है? पुलाव, ये पुलाव है। बाजार सामने बना हुआ है, वो देखिए आप माशाल्लाह। ये कुरैश होटल आ गया भाई, काफी बड़ा होटल है ये। क्या हाल है भाईजान, ठीक है? दाल कहाँ है? दाल अंदर। ये देखें जी, ये कौन सी दाल होती है? ये मूंग और मसूर मिक्स होती है। मूंग और मसूर मिक्स होती है। ये है भाई दाल, बहुत आला माहौल बना हुआ है यहाँ पे, कढ़ाइयाँ भी जा रही है। हमें एक दाल चाहिए जबरदस्त सी। कौन सी वाली बनवाए? मक्खन वाली। मक्खन वाली बनाते हैं एक हमारी। मक्खन ले आओ भाई, यही दाल हमारी स्पेशल, मक्खन वाली। ये देखे भाई, ये काम चल रहा है माशाल्लाह। ओहो भाई, मक्खन की टिकिया ऊपर से भी डली हुई है दाल में, माशाल्लाह माशाल्लाह। दाल सलाद रायता, यार ये बहुत ही वेलवेटी सा टेक्सचर है इस दाल का, और मक्खन इसके ऊपर ये इन्होंने अलग से भी डाला हुआ है ताकि मक्खन इसके अंदर पिघलता रहे और आप दाल लेते रहें। ये आप देखें भाई, थोड़ी सी हम दाल अपनी प्लेट में निकालते हैं। 380 रुपीज़ इस कढ़ाई की पूरी प्राइस है, दाल की कढ़ाई की, और मेरे ख्याल में ये दो से तीन लोगों के लिए ये दाल काफ़ी है। थोड़ा सा हम ये रायता भी निकाल लेते हैं साथ में। चलें भाई खाली ज़रा दाल टेस्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दाल का जायका बहुत ज़बरदस्त है भाई, आम जो दाल होती है उससे डिफरेंट है, हटके है। मियाँ जी की दाल मैंने इससे पहले खाई है जो कि पाकिस्तान में बहुत मशहूर है, वो बनती है देसी घी में, वो इससे ज़्यादा गाढ़ी थिक होती है काफ़ी। ये बनी है मक्खन में, मक्खन भी ऑप्शनल है, अगर मक्खन आप नहीं डलवाएंगे तो वो 280 रुपीज़ की पूरी ये दाल आती है, तो प्राइस भी काफ़ी नॉमिनल है और टेस्ट भी मज़ेदार है, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। थोड़ा सा रायता भी इसमें मिक्स करते हैं, मक्खन भी, हल्की सी ये प्याज आ गई। जायका तो है अलकुरैश होटल पे, और भी सारी चीज़ें हैं काफ़ी सारी मेन्यू के अंदर, लेकिन दाल मशहूर थी तो हमने सिर्फ दाल मंगवाई। मुल्तान आए तो अलकुरैश की ये दाल ट्राई करने के काबिल है, वेरी नाइस। जान सलाम अलैकुम, कैसे हैं? हुसैन आगाही पे वो है ना हाफिज, उधर जाना है भाई। लोकल इस तरह घूमने का जो मज़ा है ना उसका बात ही अलग है भाई, रिक्शों में, गलियों में, पुराने बाजारों में, वाह 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 वाह, दिल दिल पाकिस्तान। रेवाड़ी ज़्यादा अच्छा है या हाफिज? हाफिज भी अच्छा, रेवाड़ी ज़्यादा भी अच्छा है। आप एक बताओ, रेवाड़ी वाले? रेवाड़ी कौन सा अच्छा है ज़्यादा? ये सामने हाफिज वाले वोट, हाफिज एक वोट हुआ है रेवाड़ी का, एक हाफिज का। अभी एक और किसी से पूछता हूँ भाई जान, रेवाड़ी अच्छा है या हाफिज? हाफिज हाफिज, चलो दो वोट हो गए हाफिज के, हाफिज जाएंगे भाई, हाफिज जाएंगे। हाँ भाई हम पहुंच गए हुसैन आगाही के इलाके में, और अब हम जा रहे हैं, ये जो गली है ना ये सीधी जाती है हाफिज के ऊपर, बहुत रश हो रहा है। ख्वातीन के उरूसी मलबूसात, ख्वातीन के कपड़े, ख्वातीन के मेकअप और ये सब जो चीज़ें होती हैं उनकी मेनली ये वो मार्केट है। यही सामने आ गया भाई ये हाफिज, ट्रेडिशनल सकाफती कपड़े, शॉले भी मिल रही हैं, पर्स वगैरह भी मिल रहे हैं। एक ज़माना था जब मुल्तान में सिर्फ हाफिज का हलवा ही मशहूर था, लेकिन अब यहाँ पे रेवाड़ी जो है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गया है, और रेवाड़ी और हाफिज दो लोगों जो है ना वो उसके अंदर डिवाइड रहते हैं, कोई कहते हैं हाफिज का ज़्यादा अच्छा है, कोई कोई कहते हैं रेवाड़ी का ज़्यादा अच्छा है। मैंने दोनों खाए हुए, दोनों अपनी अपनी जगह अच्छे हैं, लेकिन जो पहचान है मुल्तानी सोन हलवे की वो ज़ाहिर है कि वो हाफिज़ है, और यहीं पर हम आए जो इनकी पुरानी दुकान है हुसैन आगाही में।
ज़रा यहाँ पे चलते हैं और हलवा ले लेते हैं, क्योंकि मुल्ताना है और हलवा लेके घर ना जाए तो ऐसा कैसे हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम भाई जान, कैसे हैं? खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम है मोहम्मद अली। मोहम्मद अली जी, आपको सेल्स ब्रांच पे? सर मुझे तकरीबन रिसेंटली 1 ईयर हो गया है। और ये कितनी पुरानी ब्रांच है? सर 93 ईयर्स ओल्ड ब्रांच है ये। 93 ईयर्स ओल्ड? जी सर। पाकिस्तान बनने से भी पहले की है? जी सर। ओ जब ही तो यार ये भाई, इसकी जो स्टोरी है ना वो ये कि जो हाफिज साहब थे वो बच्चों को कुरान शरीफ पढ़ाते थे और बच्चों को इनक्रेजमेंट के लिए, मोटिवेशन के लिए घर में ही हलवा बना के उनको वो देते थे, और वो वैसे ही तो उसी से ये हलवा जो है ना चलते चलते इतना मशहूर हो गया कि आज जो है ये मुल्तान की पहचान है। सर ये आप टेस्ट करें हलवा? अरे यार अब तो हलवा लेने आए थे, टेस्ट करने को भी मिल गया माशाल्लाह। ये देखिए आप भाई, बड़ी ज़बरदस्त ड्राई फ्रूट की इसके ऊपर टॉपिंग हुई भी है। हाफिज का सोहन हलवा, बिस्मिल्लाह। सबसे जो अच्छी बात लगती है मुझको वो इस हलवे की कंसिस्टेंसी है। इनका जो फार्मूला है ना वो ऐसा ज़बरदस्त है कि आप जब भी हलवा लें आपको टेस्ट सेम एक ही मिलेगा। आप तो वैसे भी मौसम ठंडा हो रहा है तो ये हलवा मौसम में इस मौसम के हिसाब से परफेक्ट है। ये भाई हाफिज में और आपके तस्वीर हो गई तो मज़ा ही आ गया। चलो भाई हलवा ले लिया हमने काफ़ी सारा माशाल्लाह, और कुछ इन्होंने हमें गिफ्ट भी दिए हैं, ज़बरदस्त सीन है। अब चलते हैं वापस होटल, क्योंकि वहाँ पे हाई टी का सीन खुल गया होगा और हाई टी तो बेलमोरस की देखनी है और चखनी भी है। अभी थोड़ा रेस्ट किया मैंने हलवा लेके आने के बाद, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रश था बाज़ार में। और अब यहाँ हमारे होटल के अंदर चल रही है हाई टी, डेली होती है, काफ़ी सारे उसमें आइटम होते हैं मज़े मज़े के, चेक करते हैं। अच्छा भाई, ये सारा हाई टी का सीन लगा हुआ है यहाँ पे, चाट, दही बल्ले, तरह तरह के यहाँ पे सैलड्स हैं, और इसके बाद फिर ये डिज़र्ट्स आ जाते हैं यहाँ पे। प्री मिल्क केक भी है, ये बहुत ही आला होता है, खीर भी रखी हुई है, जेली रखी हुई है, बहुत ही ज़्यादा आइटम है यहाँ पे। कैसे भाई आप लोग, ठीक है? अल्लाह का शुक्र। कितने आइटम्स हैं यहाँ पे? सर अराउंड 40 अबव, तकरीबन डिज़र्ट वगैरह और सैलड वगैरह डाल के 40 से प्लस। 40 प्लस आइटम? जी सर बिल्कुल। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ये चिकन ड्रम स्टिक्स हैं, आप क्या ऐसे ही ट्राई करनी चाहिए। चिकन कॉर्न सूप, वाह भाई वाह। यहाँ पे क्या है ये, क्या आइटम है? ये मंदी चरगा सर। मंदी चरगा जी? अच्छा अच्छा, चिकन चरगा। यार ये तो मतलब हाई टी नहीं हुआ, ये तो पूरा लंच कम डिनर ही हो गया। तो ये सारा सीन है भाई, 40 प्लस आइटम्स हैं यहाँ पे, और गरम गरम फ्रेश फ्रेश तैयार होते जाते हैं। कुछ आइटम्स लेते हैं हम, बैठ के आराम से टेस्ट करते हैं, ज़बरदस्त। भाई सबसे पहले मैं लेकर आया हूँ ग्रिल चिकन, टेंडर चिकन, चिकन विंग्स, समोसा और थोड़ा सा सैलड। देखिए चीज़ें तो बहुत सारी हैं, लेकिन ज़रा डिफरेंट जो चीज़ें लग रही थी वो ट्राई करते हैं। ये भाई टेंडर चिकन, टेंडर चिकन जो है ना वो पतली पतली स्ट्रिप्स हैं और इनको बैटर लगा के इन्होंने फ्राई किया हुआ है, बड़ा अच्छा सा टेस्ट आ रहा है। ख़ासतौर पे जो बच्चे हैं उनको इस टाइप की चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं, लेकिन दोनों चीज़ों में मुझे ग्रिल्ड चिकन ज़्यादा पसंद आई, ये भी अच्छी है। वैसे चीज़ें तो बहुत सारी हैं, एक एक चीज़ का मैं क्या रिव्यू दूँ, माशाल्लाह हर चीज़ ही अच्छी है। सारी चीज़ें हमने थोड़ी थोड़ी सी ट्राई की, लेकिन वो जो मंदी और चरगा है वो रह गया है, वो टेस्ट करते हैं। थैंक यू। कबाब, बारबेक्यू, चरगा, मंदी, भाई इस तरह की जगह पे आने के बाद जो है ना वो ये आप लेमनेड फ़ौरन मंगवा लिया करें, क्योंकि जब तक ये नहीं होगा उस वक्त तक ये सारी डिशेज जो है ना वो आप ट्राई कर सकते नहीं हैं। चरगा और मंदी राइस, ओह ये हम राइस और ये बारबेक्यू ट्राई कर ही रहे थे तो पिज्ज़ा आ गया। ये टेबल के ऊपर ही सर्व होता है गरम गरम पिज्ज़ा। ये देखिए ये जो चीज़ की ड्रिपिंग हो रही है, ये हॉट एंड फ्रेश, चीज़ी, मज़ेदार, वाह। मीठे के अंदर काफ़ी सारी वैरायटीज़ थी, मैंने कुछ चीज़ें ली हैं, बहुत मज़ा आया भाई मुझे तो यहाँ पे आके। आप यहाँ पे स्टे कर रहे हो या ना स्टे कर रहे हो, आप आके हाई टी इन्जॉय कर सकते हैं, और यहाँ पे
पार्टीज़ वगैरह भी होती हैं, तो पूरी पूरी हाइटीज़ बुक भी होती हैं, तो अगर आपको कोई इवेंट कराना है तो आप वो भी करा सकते हैं। मुझे तो बहुत ही मज़ा आया और एंड में ये मीठे ने तो सब चीज़ों के ऊपर तड़का लगा दिया। वाह। भाई दोपहर में हम जो दाल खाने के लिए गए थे घंटा घर पे, तो हमें मिले थे जिशान भाई और जिशान भाई ने कहा था कि दिल्ली दरवाजे पे आपने बट स्वीट्स पे ज़रूर आना है। तो हमने हाइट ही इतनी ज़्यादा खा ली बेलमोरस में कि डिनर का सीन बना नहीं, तो हमने कहा भाई खीर खा लें भाई के आगे हैं। बट स्वीट्स की खीर जो है ना भाई, ये मशहूर है। कितनी पुरानी दुकान है ये तकरीबन होगा 50 साल होने वाले हैं। दिल्ली गेट के पीछे आप देखें कितनी खूबसूरत लाइटें जल रही हैं, बड़ा अच्छा एम्बियांस है यहाँ पे, अंदरून का जो है ना वो क्रिएट हुआ हुआ है। तो मॉडर्न मुल्तान बेलमोरस और अंदरून मुल्तान दोनों हमने आज आपको जो है ना वो इस वीडियो के अंदर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। टेस्ट करते हैं खीर, बिस्मिल्लाह। जो खीर है ना उसके ऊपर ये जो ख़ास तौर पे ये रबड़ी दूध है, मेरे ख्याल में बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही आला यार। भाई मिले थे मुझको, हमने कहा भाई यहाँ पे आना ज़रूरी है, स्पेशली इस गेट के दामन में खड़े होके जो खीर खाने का मज़ा आया ना, अल्टीमेट। भाई जितनी मज़ेदार खीर है ना, जितनी मीठी खीर है उतना ही मीठे आप बंदे भी हैं माशाल्लाह। ज़बरदस्त भाई, ज़बरदस्त, मज़ा आ गया। अगर लोग मुझसे पूछते हैं कि आप इतना खाते हैं मोटे क्यों नहीं होते, तो भाई देख रहे हैं मोटे हम इस वजह से नहीं होते, अभी भी हो रहे हैं खैर, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि जितना मोटे हुए हैं उसको भी कंट्रोल कर लें, क्योंकि ये ट्रेडमिल करना, थोड़ा कार्डियो करना, एक्सरसाइज करना हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप खाएँ लेकिन साथ में एक्सरसाइज भी करें, और जिस होटल में आप रुके हुए हों वहाँ पर इतना अच्छा ज़बरदस्त जिम हो, सामने मुल्तान की स्काईलाइन नज़र आ रही हो, तो जिम करने में भी मज़ा आता है। बहुत ही ज़बरदस्त जिम है यार ये, और रात को नींद हमें इतनी अच्छी आई कि सुबह का नाश्ता हमने स्किप कर दिया। अभी हम लंच करेंगे नीचे आके, क्योंकि इनका जो कॉन्टिनेंटल मेन्यू है, देसी मेन्यू है, अलाकार्ट मेन्यू, वो बहुत ही ज़बरदस्त है, तो कुछ कॉन्टिनेंटल डिशेस ट्राई करनी है और उसके बाद आगे निकलेंगे। वेरी नाइस। हाँ भाई भूख बढ़ गई है, लेकिन ज़रा पहले किचन में जाके देखें कि खानों की मेकिंग हो किस तरह रही है। चले जी बिल्कुल, वो आपको एपेटाइजर में हम सर्व करेंगे, एपेटाइजर में डायनामाइट प्रॉन्स आएंगे, मस्टर्ड चिकन, हनी मस्टर्ड चिकन, और चाइनीज भी आपको है ना जी। दो तीन चार चीज़ें हमने ऑर्डर की हैं जो शेफ यहाँ पे बना रहे हैं। ये आपकी शर्ट के ऊपर पाकिस्तान का भी झंडा है, तुर्की का भी है, सर क्या वजह है इसका? यहाँ पे हम तुर्किश फूड भी दे रहे हैं अपने होटल में, तुर्किश, लेबनीज, जापनीज, इटालियन, मैक्सिकन फूड, हर किस्म का फूड अवेलेबल है। ये तुर्की का झंडा है। यस। डायनामाइट प्रॉन फ्राई हो गए भाई, ये जो सॉस में डिप होते हैं ना डायनामाइट प्रॉन, ये मेन चीज़ जो है ना भाई, वो एक तो प्रॉन और ऊपर से ये सॉस। जबरदस्त एपेटाइज़र आ गया भाई हमारे सामने। सबसे पहले मैं ट्राई करूँगा ये मोज़रेला चीज़ स्टिक्स, ये आप चेक करें, इसके साथ इन्होंने एक बड़ा ज़बरदस्त सा सॉस भी दिया हुआ है, और मोज़रेला चीज़ स्टिक्स की जो ये गेम है ना वो ये कि आप ये देखें अभी ज़रा ये चीज़, ये जो चीज़, आए हाय 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 भाई वाह, वाह भाई वाह, क्या थ्रेड्स बन रही है, ये है गेम। मोज़रेला चीज़ स्टिक्स हो और उसके अंदर ये सीन ना हो ना तो फिर मज़ा नहीं आता। अच्छी देखें आप, ज़बरदस्त, थोड़ा सा ये हम सॉस डिप करेंगे, बिस्मिल्लाह। हम्म,
मज़ा आ गया। बहुत ही क्रिस्पी लेयर अंदर, ज़बरदस्त मोज़रेला चीज़ और फ्रेश, वेरी नाइस। ये भाई मैक एंड चीज़ बॉल, जो प्रेजेंटेशन है ना वो मुझे बहुत ही अच्छी लगी। ज़बरदस्त तरीके की प्रेजेंटेशन है और टेस्ट तो मज़ेदार है ही। कल हमने ब्रेकफास्ट भी ट्राई किया और हाई टी भी ट्राई की, और ये जो मेन्यू है ये थोड़ा और नेक्स्ट लेवल है। ये देखें भाई आप, बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी क्रस्ट है और अंदर पूरा ये ज़बरदस्त मैक एंड चीज़। ये भी बड़ी टेक्निक है इसको इतना चीज़ी बनाना और उसके बाद फिर इतने ज़बरदस्त क्रिस्पी क्रस्ट के अंदर डालना। वाओ, मोज़रेला स्टिक और मैक एंड चीज़ बॉल मैंने शुरू में इसलिए ट्राई की क्योंकि अगर मैं ये डायनामाइट प्रॉन पहले खा लेता ना तो फिर इसके आगे मुझे कोई और चीज़ अच्छी लगती नहीं। तो डायनामाइट प्रॉन एपेटाइज़र में सबसे एंड में हम ट्राई करेंगे। और ये सॉस देखें आप, ज़बरदस्त। बिस्मिल्लाह। वाह भाई वाह, बहुत ही क्रिस्पी कोटिंग प्रॉन टेम्पुरा स्टाइल की जो होती है, और उसके ऊपर ये जो सॉस है ना, वाह भाई वाह। वंस अगेन जो प्रेजेंटेशन है, जो टेस्ट है, जो एम्बियंस है, टॉप नॉच। अभी एपेटाइज़र फिनिश करते हैं, अंदर हमारी बाकी मेन कोर्स तैयार हो रहा है। भाई ये जो मेन्यू हमारे सामने लगा हुआ है ना, ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। एक तो देखने में ड्रिंक्स आप चेक करें, तरह तरह की ब्लू लगून, चेरी, एप्पल, मार्गरीटा, तरह तरह के ड्रिंक्स हमारे सामने हैं। और कुछ चीज़ें हमने मंगाई थी और कुछ चीज़ें हमारे लिए जो है ना वो वैसे ही टेस्ट करने के लिए माशाल्लाह आ गई हैं। कहाँ से शुरू करूँ मैं, ये जो है ना ये एक सवाल है। ये देखें भाई आप, स्टफ़ चिकन, इतनी खूबसूरत डिश लग रही है ये जो शेफ़ ने बनाई सारी चीज़ें हमारे सामने, तो पता लगता है कि बिहाइंड द सीन जो है ना वो काम कैसे चल रहा होता है। ये देखें आप, ये पूरा जो है ना वो बैटर है इसके अराउंड, क्रिस्पी और स्टफ चिकन है अंदर। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हैलेपिनो सॉस है तो हल्का सा जो है ना वो स्पाइस है इसके अंदर, चिकन का अपना सॉस है। उसके बाद फिर इन्होंने ऊपर भी इसके सॉस डाला है और फिर ये अलग से इन्होंने सॉस सर्व भी किया है, बहुत ही मज़ेदार। ये भाई ग्रिल्ड चिकन, थोड़े से राइस भी लेते हैं हम, ग्रिल्ड चिकन विद मोरक्कन सॉस। और ये जो ग्रिल्ड चिकन थी ना इसको भी ऑलरेडी ये मैरिनेटेड थी, इसके बाद भी इन्होंने इसके ऊपर सॉस डाला हुआ है। ये सॉस बिल्कुल डिफरेंट टेक्सचर है इसका, कलर भी डिफरेंट है और कलौंजी जो है ना उसकी टॉपिंग मुझे हर चीज़ पे नज़र आ रही है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। टेस्ट करते हैं। राइस के साथ देखते हैं। जैसा एम्बियंस है खाना भी उससे बढ़ के ज़बरदस्त। और भाई जब इतना हैवी ड्यूटी खाना, मज़ेदार खाना आपके सामने रखा हो तो फिर ड्रिंक्स भी उसी हिसाब से होनी चाहिए ना, क्योंकि ड्रिंक्स जो है वो बहुत ज़रूरी है, आपको पता है। ये भाई चिकन कैशोनेट विद राइस, चेक करें आप। मोरक्कन चिकन के राइस जो थे ना उनका टेस्ट थोड़ा डिफरेंट था, और ये जो है ये चाइनीज़ राइस है, ये टेस्ट आपको पता है कि चाइनीज़ राइस मुझे वैसे ही पसंद है। और ये जो चिकन है ये भी थोड़ी माइल्ड है, इतनी ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, और हर चीज़ एक से बढ़ के। ये भाई फ्राइड चिकन विद हनी मस्टर्ड सॉस, और इसके साथ दो साइड्स है फ्राइज़ और वेजीज़। जितनी भी डिशेज़ हैं ना उनके साथ दो साइड्स हैं, कोई भी साइड्स आप ले सकते हैं। और जो प्राइस रेंज है इन सारी डिशेस की वो 1100 to 1300 है। बेलमोरस होटल एक 4-star होटल है माशाल्लाह, लेकिन इनकी जो सर्विसेज है, जो खाना है, जो एम्बियंस है वो 5-star से कम नहीं है। और मुल्तान के अगर वन ऑफ द बेस्ट होटल्स में मैं कहूँ कि ये बेलमोरस है तो गलत नहीं होगा, चाहे वो फूड हो या स्टे हो, मेरी तरफ से तो भाई हाईली रिकमेंडेड है। और खाना भी
ज़बरदस्त। ब्लू लगून ज़्यादा स्वीट है, चेरी में हल्का सा स्पाइस था, मैंने खाया है, ग्रीन चिलीज भी उसमें थी, चेरी ज़्यादा अच्छा है। डिजर्ट्स हम खाएंगे भाई कॉफ़ी शॉप में बैठ के। ये क्या क्या आइटम है भाई? सिजलिंग ब्राउनी है भाई। सिजलिंग ब्राउनी भाई, ब्राउनी है नीचे, ऊपर आइसक्रीम है और उसके ऊपर ये चॉकलेट की टॉपिंग हो रही है ख़तरनाक तरीके से, और ये जो पैन है ये फुल गर्म है, सिजलिंग हो रही है चॉकलेट की, और ये है हमारी पीनट बटर ब्राउनी। ये आइसक्रीम मेल्ट हो रही है लेकिन ये बहुत गर्म हो रहा है अभी, तो पहले मैं ये पीनट बटर ब्राउनी जो है ना इसको टेस्ट करूँ। ओह ये चीज़, बिस्मिल्लाह। स्पीचलेस, क्या आइटम है यार ये। पीनट बटर है ऊपर, पीनट्स भी हैं, चॉकलेट आइसक्रीम, वनीला आइसक्रीम और नीचे ब्राउनी, यार अल्टीमेट है, मज़ा आ गया। सिजलिंग ब्राउनी पे नीचे ब्राउनी है, ऊपर वनीला आइसक्रीम और फिर ये जो चॉकलेट सॉस की इन्होंने टॉपिंग की है, और ये पैन इतना हॉट पैन था कि अभी तक जो चॉकलेट है ना वो बॉयल हो रही है, देखें आप। अभी तक चॉकलेट, हॉट चॉकलेट, ब्राउनी, आइसक्रीम और इसके अंदर भी पीनट बटर, चॉकलेट, वनीला, नीचे ब्राउनी, दोनों चीज़ें भाई अपनी जगह बहुत ही ज़बरदस्त है, लेकिन पीनट बटर जो है ना वो मुझको ज़्यादा अच्छी लगी। ये खाली होती तो यही अच्छी लगती, लेकिन इसके आगे मुझे ये ज़्यादा पसंद आई। जो सुबह हमने ट्रेडमिल की थी ना वो अब बराबर हो चुकी है, एक सेशन जिम का और लगाना पड़ेगा। जिम का एक सेशन तो लाजमी और लगाना पड़ेगा भाई। तो ये हम ज़रा डिज़र्ट फिनिश करके जिम जाते हैं, उसके बाद चेकआउट करेंगे। आप लोगों को आज की ये वीडियो अगर पसंद आई है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेलमोरस पे आइए, यहाँ पे स्टे भी कर सकते हैं, वरना ब्रेकफास्ट, हाई टी, खाना इंजॉय कीजिए और हमें अपनी दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।